मंडी बोर्ड स्थापना दिवस के अवसर पर शहर के कृषि उपज मंडी में स्वर्ण जयंती समारोह गुरुवार को मनाया गया। नवागत एसडीएम मोहम्मद सिराज ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सेवा सम्मान कार्यक्रम के तहत पूर्व अध्यक्ष लाल सिंह राणावत, हरि सिंह गुजर, व्यापारी संघ अध्यक्ष राधेश्याम हीरालाल पोरवाल को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सेवानिवृत्त अधिकारी विजय सिंह पंवार, सचिव सत्यनारायण महेश्वरी को लेखापाल सेवा से नवाजा गया। वहीं पर फर्म के नितिन कुमार जैन, शैलेन जैन अधिकृत राजस्व देने वाले दोनों व्यापारियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मंडी कर्मचारी योगेश राठौर, कमलेश बड़गोतिया को उत्कृष्ट कर्मचारी के रूप में प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। आयोजन के तहत मंडी के समस्त कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए, वहीं हम्माल और तुलावटी को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अशोक शर्मा ने किया। इस आयोजन के दौरान मंडी सचिव मनोज खिची, नागेंद्र राठौर, योगेश राठौर, गोपाल कृष्ण कालरा, राय सिंह गुजर, मनीषा मसानिया, निर्मला सोलंकी, प्रतेश चप्रिया, अशोक शर्मा, धनश्याम सिंह, जगदीश चौहान, नवीन श्रीपाल सिंह, अजय, सचिन, कमलेश, व्यापारीगण में नितिन जैन, शैलेन जैन, मदन कोचर, राजेश गिल्डा, भंवर सिंह, राजेश पोरवाल, जगदीश पोरवाल, नवीन जैन, प्रशांत पोरवाल एवं समस्त तुलावटी हम्माल उपस्थित थे। अब इसी श्रृंखला में प्रदान करेंगे। श्री गोपाल कृष्ण जी, श्री राय सिंह जी गुजर साहब, सुश्री मनीषा निर्मला मैडम, राम जी सुनील है, घनश्याम सिंह जी सचिव सावर, इसी क्रम में श्रीपाल सिंह चंद्रावर, इसी प्रकार हमारे मंडी के कमलेश गोस्वामी, मंडी के तुलावटी में से श्री रघुनाथ सिंह जी, जी शर्मा हमारे कर्मचारी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, आप भी आइए। मंडी बोर्ड का गठन सन 1973 में 1 जून 1973 को हुआ था और 50 वर्ष पूरे होने पर पूरे मध्य प्रदेश में आज स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में नागदा मंडी में भी आज एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मंडी समिति नागदा के अंतर्गत जिन्हें भी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है उनका आज यहाँ पे सम्मान मंडी परिवार की ओर से किया गया है और माननीय श्री एसडीएम साहब द्वारा भी चार्ज ग्रहण करने के बाद आज प्रथम मंडी में आगमन है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और आज के कार्यक्रम में जिन अतिथियों में शामिल होकर के हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई उनके लिए भी मैं बहुत आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और मैं निवेदन करूँगा हमारे विशेष अतिथि महोदय श्री लाल सिंह जी राणावत साहब का
कि वो मंडी की गतिविधियों पे और आपके कार्यकाल पे प्रारंभ से अभी तक की कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डालें। मैं सादर आमंत्रित करूँगा रावत साहब। आज का कार्यक्रम होने जा रहा है, व्यापारी मिलावटी अध्यक्ष और अन्य कर्मचारियों का सम्मान किया गया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मंडी कृषि उपज मंडी नागदा में जब मैंने शुरू में पहली बार अध्यक्ष बना था, जब चार्ज लिया था तो मात्र 64,000 रुपए की आमदनी हुआ करती थी, बहुत कम आमदनी हुआ करती थी, जो लगातार आज बढ़ते बढ़ते करोड़ों रुपए की आमदनी में पहुंची है। मंडी ने अपने मंडी फंड से यह करीबन 29 बीघे जमीन की खरीदी है और मंडी बोर्ड के सहयोग से वो बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये मंडी पुरानी शहर के मध्य आ चुकी है और यह काफी कठिनाई होती है किसानों को आने में, व्यापारियों को भी माल भेजने में, सभी तरह की कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। इस मंडी ये पुरानी मंडी या कई पहले जब इस मंडी की स्थापना होती तब यहाँ इस मंडी में ग्राम पंचायत भी लगती थी, यहाँ नागदा का रिकॉर्ड भी इस मंडी में था, वो तो कोर्ट के आदेश से जमा हो गया, फिर यहाँ एलजीओ भी यहाँ बैठते थे, सभी व्यवस्था यहाँ मंडी से ही संचालित होती थी नागदा की, एक समय नागदा का वो भी था मंडी का। और आज लेकिन आज हमें गर्व है कि हमारा नागदा जिले बनने जा रहा है बहुत अतिशीघ्र, और बाकी सब विभाग के तो अधिकारी कर्मचारी यहाँ है ही है, जो कमी थी वो भी पूरी हो रही है। साथ में अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने अपने मंडी के लिए जो नवीन यार्ड है उसमें निर्माण के लिए, ऑफिस के लिए, कृषि भवन के लिए, किसानों के सेट के लिए, मंडी में सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए और अन्य के लिए, अन्य कार्यों के लिए करीबन 6,70,00,000 रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया है। मैं आदरणीय एलजीएम साहब से अनुरोध करूंगा, वो हमारे बाहर शासक भी है, मंडी के प्रशासक भी है, तो मैं अनुरोध करूंगा तो कलेक्टर साहब से संपर्क कर अति शीघ्र उस राशि का स्वीकृति पत्र लेटर मंगवा कर और जल्दी से जल्दी उन निर्माण कार्यों के टेंडर वगैरह जारी करें, ताकि आने वाले दिनों में कार्य हो सके और किसानों को जो परेशानी हो रही और इसके कारण मंडी में एक और नुकसान हो रहा, कई किसान यहाँ आने से कतराते हैं कि शहर के मध्य होने से किसानों को भी बहुत कठिनाई होती है गाड़ी निकालना ले जाना, और उन सब परिस्थितियों को देखते हुए नवीन मंडी बनेगी तो निश्चित नागदा का विकास और ज्यादा होगा, मंडी की आय बढ़ेगी, मंडी सुव्यवस्थित चलेगी, अच्छी जगह जाएगी, व्यापारियों को भी अपने गोदाम वगैरह मिलेंगे, वहाँ खरीदने की भी सुविधा सम्मानजनक आज भी है, वहाँ और ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी। मेरा आज के इस 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ आज जो मंडी स्टाफ ने हमारा सबका स्वागत सत्कार किया, मैं हृदय से पूरे स्टाफ का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ और साथ में अनुरोध करूंगा व्यापारियों से, किसानों से, हमारे तुलावटी साथियों से, एमएलओ से, इस मंडी को निरंतर प्रगति के पथ पर हमारे नवीन एलजीओ साहब खान साहब के नेतृत्व में निरंतर उन्नति करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बलराम। कार्य माननीय एलजीओ साहब, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राणा साहब, मंडी के व्यापारी राणा साहब, काका साहब और सब बैठे सब कर्मचारी और साथी वगैरह से पूरी धन्यवाद। स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज जो यह कार्यक्रम हम मना रहे हैं, यह हमारे जो विभाग है मंडी बोर्ड, इसके 50 वर्ष पूर्ण होने पर यह स्वर्ण जयंती महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हमारे हमारे जो मंडी के मंडी सचिव महोदय और हमारे प्रशासनिक अधिकारी महोदय, इनके साथ
हम बहुत जल्द नई मंडी की भी शुरुआत कर लेंगे, क्योंकि नई मंडी के निर्माण कार्य लगभग शुरू होने वाले हैं। अगले कार्यक्रम हम भगवान से बलराम जी से यही कृपा करेंगे कि हमारे अगले प्रोग्राम नवी मंडी प्रांगण में हो। नई मंडी प्रांगण का सपना आज का नहीं है, हमारे आदरणीय लाल सिंह जी राणावत साहब जब यहाँ कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष बने थे, इस छोटे से मंडी प्रांगण को उन्होंने संजोया और फिर कई सालों से उन्होंने लगातार प्रयास किए और उनके प्रयास को सार्थक किया था हरि सिंह जी गुर्जर साहब ने उनके अध्यक्ष महोदय कार्यकाल में। 4 करोड़ के समथिंग 27 बीघा जमीन नवीन मंडी प्रांगण ने क्रय की और बहुत जल्द उसमें विकास कार्य शुरू हो गए, जिसका आज सभी व्यापारी हमाल गुलाबी और मंडी के सभी क्रांतिकारियों को लाभ मिलेगा। यह हमारे 50 वर्षों की एक सौगात है जिसमें हम बहुत जल्द नई मंडी में शिफ्ट हो जाएंगे। आज मंडी द्वारा उत्कृष्ट कर्मचारी के रूप में जो प्रतीक चिन्ह दिया है, वह प्रतीक चिन्ह मैं अपने पिता स्वर्गीय श्री रामप्रसाद जी राठौर को समर्पित करूंगा कि उन्हीं के मार्गदर्शन और उन्हीं के आशीर्वाद से जो अनुकंपा नियुक्ति मुझे दी गई, आज मुझे लगता है कि मैं अपने कार्य में सार्थक हुआ और अपने पिता की पुण्य आत्मा को वो जब वहां से देख रहे तो उन्हें भी लगेगा कि मेरे नक्शे कदम पर मेरा पुत्र चल रहा है। क्योंकि आज भी जब मैं मंडी में काम करता हूँ तो यहाँ के हनुमान भाई मुझे आके सदैव कहते हैं कि राम प्रसाद जी हमारी लाइसेंस भी स्वयं भर दिया करते थे। ऐसे कई कार्य जो आज तक करीब 13 साल उनके जाने के बाद भी वो हनुमान व्यापारी उन्हें याद करते हैं, उनकी बातें करते हैं, वो सुनते मेरा मन गदगद हो जाता है और उन्हीं के प्रेरणा स्रोत से मैं निरंतर इस मंडी में कार्य करता रहूंगा। आगे भी आप सभी के साथ मेरा स्नेह बना रहेगा। जय जय पधारे हमारे सभी माननीय अतिथिगण, एसडीएम साहब, हमारे व्यापारी साथी, हमारे मंडी के पूर्व कर्मचारी साथी एवं उपस्थित सभी माल तुलावटी प्रतिनिधि एवं उपस्थित महिला मंडल, मैं सभी का आज के इस कार्यक्रम में कृषि उपज मंडी परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।